हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम भिवंडी शहर के बागे फिरदौस सनोवर हॉल में हैं, जहां पे एक हुमाना जो एनजीओ है वो भिवंडी शहर में एक ऐसा काम कर रहे कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं 8 साल से उम्र से लेकर 14 साल तक, जो बच्चे को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम्स आती है या फाइनेंशियल या कोई भी चीज़, ये उनके घर तक जाके उनकी ये जानकारी लेते कि ये स्कूल क्यों नहीं जा रहे, तालीम क्यों नहीं ले रहे, और उसके लिए ये सब ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। आइए हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके से वो फील्ड में जाने के बाद में उनको क्या क्या परेशानियाँ आती है और ये इन्होंने कैसे सोचा है। अभी हमारे साथ में है आपका नाम? मेरा नाम अंसारी शाइस्ता है। मैं पिछले 5 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, और ये काम एक सोशल वर्क तो है ही है, उसके साथ साथ हम मुझे ये अच्छा लगता है कि इस काम से कई सारे बच्चे स्कूल से जुड़ जा रहे हैं। बच्चे स्कूल जुड़ने के साथ साथ हो सकता है कि कुछ जुड़ने के बाद छोड़ भी दे, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी है जो जुड़ जा रहे हैं स्कूल से। और जो चैलेंजेस हम लोगों को आते हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का है कि हमको पेरेंट्स को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। फील्ड में देखा जाए अगर तो हमारे टीचर्स फील्ड में जाके काम करते हैं, फील्ड में हम लोगों की बहुत ज़्यादा ही दिक्कत वाली काम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। पेरेंट्स को समझाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा हेडेक है। उसके बाद हमको अगर देखा जाए सेकंड परेशानी जहां आती है वो है स्कूल में, बच्चों के स्कूल में एडमिशन्स के टाइम हम लोगों को बहुत दिक्कतें आती है, फिर भी हम इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन करते हैं और बच्चों को। इसमें अगर कभी कोई जो बच्चे है अगर जिसमें पढ़ना चाहते हैं, अगर उसमें उसके इनके लिए कोई फीस वगैरह अगर आता है तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? मोस्टली हमारा काम तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल के साथ ही चलता है, लेकिन जैसे अगर कोई प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना चाहता है तो हम उधर के एचएम से बात करते हैं, उनके डोनेशन को माफ़ करवाते हैं। जैसे कि एकता पब्लिक स्कूल है, वो बच्चों के डोनेशन को कम करके बच्चों के एडमिशन ले रही है। मोस्टली पेरेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में ना कराते हुए प्राइवेट स्कूल में कराना चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा तो हम गवर्नमेंट स्कूल में कराते हैं, लेकिन प्राइवेट में भी कराने के टाइम हम उनकी उनका हेल्प करते हैं और डोनेशन के लिए भी थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। अच्छा, अभी तक फील्ड में सबसे ज़्यादा बच्चे किस एरिया से है और कहाँ से? सबसे ज़्यादा फील्ड में अभी से लेके पिछले 4 सालों से न्यू आज़ाद नगर शांति नगर की फील्ड जो है सबसे ज़्यादा स्लम में माना जाता है, और बच्चे भी सबसे ज़्यादा वहीं के हैं। सेकंड ऑप्शन में आता है फातिमा नगर, वहाँ के बच्चे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ के बच्चे तकरीबन अगर हम देखा जाए तो हम देखें अगर तो 300 बच्चे ओनली न्यू आज़ाद नगर और शांति नगर के। अच्छा, अभी तक आपकी जो एनजीओ हुमाना जो पीपल टू पीपल है, ये कितने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिला चुकी है? अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2021-22 हम लोगों का सेशन चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 1532 बच्चों को हम स्कूल से जोड़ चुके हैं विद लेटर, हमारे पास ये मौजूद है। और अभी जिन बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं वो भी 1500 ही बच्चे हैं जिनके साथ अभी हम काम कर रहे हैं। हमारी 50 की टीम उनके साथ काम करी टीचर। तो ये आपने यहाँ पे सुना, इनसे सुन ये कही, इन्होंने ये कहा है कि 1500 बच्चे एक बहुत बड़ी तादाद जो के पिछले साल में उन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने तालीम की तरफ जाए। यहाँ पे भिवंडी की जो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियंस है यहाँ पे, उनको ये सोचना चाहिए कि 1500 बच्चों के अगर ये हुमाना जो पीपल टू पीपल है ये एनजीओ ज्वाइन करा सकती है, तो आपके अगर कुछ काम से अगर भिवंडी शहर के कुछ बच्चे अगर तालीम याफ्ता हो जाएंगे, अगर ये चीज़ होगा तो भिवंडी शहर का क्या, हमारे शहर का, हमारे स्टेट का और हमारे हिंदुस्तान का भी नाम हो सकता है। जो हुमाना पीपल टू पीपल है, इसमें आपको भिवंडी शहर से या कॉरपोरेशन से कोई हेल्प मिलती है, या भिवंडी शहर की कोई पार्टी जो बड़ी पार्टी है, हर पार्टी में से कोई पॉलिटिशियन या कोई समाज सेवक आपकी जो एनजीओ को उसको सपोर्ट करता है? हम लोगों को अभी तक कोई पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। बाकी अगर सपोर्ट्स की बात की जाए तो वो हमारे काम को जानते हैं, देख रहे हैं, बाकी उनसे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट्स नहीं है हम लोगों को। मतलब कोई पार्टीज आपको ये सपोर्ट नहीं करती जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो कोई पार्टी आपको सपोर्ट नहीं करती है, जो कि हर पार्टी के स्टेट पे जो वहाँ के जो भिवंडी शहर के बड़े बड़े जो नेता है, वो भिवंडी शहर के बड़े नेता ये चीज़ बोलते हैं कि हम लोग जो पढ़ाई है हम ऐसा कर देंगे, यहाँ पे स्कूल बनाना है, ये चीज़ करना है, लेकिन उन जो ड्रॉप आउट बच्चे है वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। जैसे वो जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान दे रही है आपकी जो एनजीओ है हुमाना एनजीओ, लेकिन उसमें उसके बाद भी आपके जो भिवंडी शहर में जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते।
नहीं वैसा कोई सपोर्ट हमारे साथ नहीं है, हम लोग इंडिविजुअली खुद ही काम करते हैं, खुद ही हमारे सोशल वर्क है, हम खुद ही इस पे काम करते हैं। तो भिवंडी शहर के जो पेरेंट्स है और जो फाइनेंशियल तौर पे जो नहीं अपने बच्चों को पढ़ा सकते तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं भिवंडी शहर के पेरेंट्स जो के इस वीडियो को देखेंगे तो मैं उनके लिए मैसेज देना चाहूँगी कि हम आप तक तो पहुँच गए, आप हमको जानते हैं, लेकिन हम उन तक नहीं पहुँच पाए जिनको हम नहीं जानते। तो आप अपने आजू बाजू या फिर जो भी जो बच्चे स्कूल से दूर है उन बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए हमारी मदद कीजिए। मेरी सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो तालीम से जोड़ने के लिए आगे आइए, हमारी मदद कीजिए। और तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अपने बच्चों को तालीम से दूर मत रखिए। शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना भिवंडी शहर में तकरीबन पिछले साल 1500 बच्चे जो ड्रॉप आउट हो चुके थे वो अभी ज्वाइन करिए है, वो बहुत ही अच्छी बात है। अभी इस साल भी कुछ 1500 बच्चों का टारगेट है, वो करेंगे और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से हुमाना पीपल टू पीपल को बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच। एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।